हे गाइस, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि गाइस, अगर आपके पास भी Redmi Note 9 Pro है और उसमें आप जो है DSLR जैसा कैमरा सेटिंग करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप सभी लोग अपने Redmi Note 9 Pro में DSLR कैमरा सेटिंग कर सकते हैं। तो यहां पे आप जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं, मैं अब मेरे फ़ोन के स्क्रीन में गाइस यहाँ पर कैमरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको यहाँ पर DSLR जैसा अगर आपको कैमरा सेटिंग करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे सेटिंग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे आपको सेटिंग करना है, जिसके बाद यहाँ पर आपको गाइस ब्लर वाला इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि गाइस यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ब्लर वाला जो है वो गाइज यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप जब भी वीडियो बनाते हैं इसमें, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से करना है ताकि आप जब भी वीडियो बनाए तो आपका जो बैकग्राउंड है वो गाइज यहाँ पे ब्लर हो। तो आपको कुछ नहीं करना है गाइज, बस आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 30 FPS, तो उसको यहाँ पे 1080p पे सेलेक्ट कर देना है। और गाइज यहाँ पे आप जैसे ही वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे गाइज फोकस होगा और आप जो है ब्लर हो जाओगे, यानी कि गाइज आपको ही फोकस करेगा और जो आपका बैकग्राउंड है गाइज वो यहाँ पे ब्लर हो जाता है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े बहुत ब्लर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो है सेटिंग कर सकते हैं Redmi Note 9 Pro में DSLR जैसा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।